पहले पराठा। अब ये पराठा मत खाओ आप। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने खाना क्यों छीना? हाँ रामू, ये क्या बदतमीजी है? साहब आप इस परोठे को मत खाओ, इसमें ब्लेड है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अपने हाथ से ये पराठा बनाया है, कहीं बाहर से नहीं मंगवाया, तो इसमें ब्लेड कैसे हो सकता है? नहीं नहीं साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मालकिन ने ही ब्लेड डाला है इसमें। अरे संजू क्या बकवास कर रही है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मैं तुम्हारे पराठे में ब्लेड क्यों डालूंगी? अरे साहब आप इसे चेक तो कीजिए एक बारी। चेक क्या करना है इसमें? अरे नेहा कोई बात नहीं, अगर ये बोल रहा है चेक करने की तो कर लेता हूँ ना, भला कौन से तुमने ब्लेड डाला है इसमें। ये क्या है नेहा? ये ब्लेड, ये इसमें कहाँ से आया? जरूर इसी ने डाला होगा। नहीं नहीं मालिक, मेम साहब ना झूठ बोल रही है, ब्लेड इन्होंने ही डाला है। पागल हो गया क्या संजू? किसकी बातों में आ रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, भला मैं तुम्हारे खाने में ब्लेड क्यों डालूंगी? आखिर मैं तुम्हारी बीबी हूँ और ये तो चाहता ही है कि हमारे घर टूट जाए। हाँ नेहा शायद तुम ना ठीक कह रही हो, ये सब इसी ने किया होगा। तुम तो मेरी बीवी हो ना, भला तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं नहीं साहब, मैं आपके पास इतने दिनों से काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे कितना झूठ बोल रहा है, कम से कम अब तो सच बोल दे। और मैं ऐसा क्यों करूंगी, आखिर पति है वो मेरा। बस कर रामू, तेरा ना बहुत हुआ, वे काम कर, निकल यहां जल्दी। नहीं नहीं साहब, मालकिन ना इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि चक्कर चल रहा है इनका किसी के साथ। क्या संजू ये क्या बकवास कर रहा है, और तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो? मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुला ही लेते हैं अब। हाँ नहीं हाँ, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रही हो। साहब आप पुलिस को ना बेशक से बुला लो, लेकिन पुलिस को बुलाने से पहले एक बारी ये देख लो। अपने पति को रास्ते से हटाने का कोई प्लान है क्या? प्लान तो है, अब वो 2 घंटे बाद लंच पे आएगा, फिर हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। संजू ये वीडियो झूठी है। बंद करो अपनी बकवास, इसने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। अच्छा तुम मुझे मारना चाहती थी और तुम ज्यादा पुलिस पुलिस कर रही थी ना, तो मेरी बात कान खोल के सुनो, पुलिस तो आएगी मगर इसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए।